हेलो फ्रेंड्स, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। एक त्रिदलीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी की शांति संधियों द्वारा हुई और जिसका लक्ष्य संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना है। आइए देखते हैं विवरण। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना सन 1919 में हुई। आइए देखते हैं मुख्यालय, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आइए देखते हैं इसके उद्देश्य। इस संगठन का उद्देश्य संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना है। आइए देखते हैं विशेष। वर्ष 1969 में इस संगठन को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के सदस्य देशों की संख्या 187 देश है। आइए देखते हैं भारत का योगदान। भारत इस संगठन के संस्थापक सदस्य राष्ट्रों में से एक है और 1922 से उसकी कार्यकारिणी में संसार की आठवीं औद्योगिक शक्ति के रूप में वह अवस्थित रहता रहा है। 1949 में इस संगठन के बजट में भारत का योगदान 3.32% है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी के प्रजातंत्र संघ तथा कनाडा के बाद सातवें स्थान पर है। आइए देखते हैं संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ में तीन संस्थाएं हैं। पहला साधारण सम्मेलन, जनरल कॉन्फ्रेंस। दूसरा शासी निकाय, गवर्निंग बॉडी। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।